सोलन जिला को शिक्षा का हब माना जाता है। यहाँ दर्जन भर से अधिक शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं। जिला सोलन के ओजघाट स्थित एक निजी डेंटल कॉलेज में छात्र अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं एक अध्यापक का वीडियो छात्रों ने वायरल किया है, जिसमें शिक्षक महोदय सरेआम कहते नजर आ रहे हैं कि पास किया जाता है, पास होते नहीं हैं, जिससे इस डेंटल कॉलेज की शिक्षण प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हमसे इस बात पे आर्ग्यू मत करो कि पास हुए या फेल हुए। मैंने आज भी हमेशा ये बोला है, पास किए जाते होते नहीं हो, पास किए जाते होते नहीं हो। अगर एक्चुअली पास करने पे या फेल करने पे आए ना, कोई पास नहीं हो। इस शिक्षक की बात सुनकर समझ आ रहा है कि इस डेंटल कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई होती है। जब देश का भावी डॉक्टर इस तरह के शिक्षण संस्थाओं से डिग्रियां हासिल करेगा, तो मरीजों का भविष्य कैसा होगा, ये समझ से परे है। शिक्षा प्रणाली को जांचने वाले विभागों को इस तरह के शिक्षण संस्थाओं की निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, ताकि भावी डॉक्टर मरीज का इलाज सही से कर सके और उनकी जान से खिलवाड़ ना हो। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग कब कुंभकर्णीय निद्रा से जागता है और शिक्षा के व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। शोक प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सदन के पूर्व 3 सदस्यों का निधन हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुनूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में CDS विपिन सिंह रावत सहित 13 लोगों की जान गई है। इस हादसे में हिमाचल के जिला कांगड़ा के लांस नायक विवेक भी शहीद हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये बेहद दुखद घटना है। सदन में शोक प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व विधायक बोधराज डॉक्टर शिव कुमार और पूर्व मंत्री गुरमुख सिंह बाली के निधन को प्रदेश व विधानसभा के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि जिन 3 पूर्व सदस्यों का निधन हुआ है, इन 3 का संबंध कांगड़ा जिला से है। शोक प्रस्ताव पर हुई चर्चा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, रामलाल ठाकुर और अन्य सदस्यों ने भी भाग लिया। शोक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। कांग्रेस के 22 और माकपा के 1 विधायक ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिसे रिजेक्ट किया गया और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार प्रदेश जनता का विश्वास खो चुकी है, जिसके चलते उन्हें सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हमने आज मौजूदा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। हम कांग्रेस के 22 विधायक हैं। हमें जो है माकपा के श्री राकेश सिंघा जी का समर्थन और ये 23 लोगों का जो है सिग्नेचर है और 1/3 MLA चाहिए थे ये अविश्वास प्रस्ताव मूव करने के लिए। हमारा नंबर पूरा है और इसके बावजूद जो है मोशन रिजेक्ट किया जा रहा है और जो है टोटल टोटलिटी के आधार पे, क्योंकि ये सरकार क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, ये सरकार जो है अथॉरिटी खो चुकी है। प्रदेश की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अभी 4 इलेक्शन होके हटे, 4 के 4 में ये हारे हैं। मुख्यमंत्री अपने घर में हारे हैं, जो बार बार कहते थे कि मंडी हमारी है, लोगों ने कह दिया मंडी तमाम जनता की है और वहाँ भी ये चुनाव हारे हैं। प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव हुए, चाहे वो एक शिमला में हुआ, चाहे वो दूसरा जो है कांगड़ा में हुआ, तीसरा सोलन में हुआ, चारों तरफ इनकी हार हुई है, पराजय हुई है और जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। तो इसलिए इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं रहा सत्ता में बने रहने का। लेकिन ये चर्चा नहीं चाहते, हम चाहते थे लंबी डिस्कशन हो, जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा की जाए। और ये मुद्दे आपने देखा कि इस चुनाव के बाद 12 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ, 17 रुपए जो है डीजल सस्ता हुआ और इसके बाद जो है किसानों के खिलाफ जो बिल थे वो वापस लिए गए। और यहाँ कर्मचारियों से जिस सरकार ने 4 साल तक बात नहीं की, उस सरकार ने जो है IGMC शिमला में चल रही रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल 7 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। रेजिडेंट डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर थे। पहले 2 दिन ये डॉक्टर 2-2 घंटे की हड़ताल पर रहे और तीसरे दिन बुधवार से इन्होंने पूरे दिन की हड़ताल शुरू कर दी। बीते कल वीरवार को हड़ताल के दौरान दोपहर बाद केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल 16 दिसंबर तक वापस ले ली है।
उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर तक उन्होंने हड़ताल स्थगित की है, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर से पूरे दिन की हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया की फास्ट ट्रैक में सुनवाई करें और इसमें आवश्यक संशोधन करें ताकि डॉक्टरों को न्याय मिल सके। जिला सोलन में तेंदुए की दहशत के बाद अब लोग भालू के खौफ से सहमे हुए हैं। जिला सोलन कंडाघाट उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत बिशा के गांव टहल के रहने वाले ज्ञानचंद पर रास्ते में भालू ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भालू के हमले से उसके सिर, मुंह एवं दाएं हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे की सूचना उसने अपने उच्च अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने तुरंत उसे घायल अवस्था में शोघी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उसे फर्स्ट एड देकर IGMC शिमला रेफर कर दिया गया। ज्ञानचंद फॉरेस्ट विभाग की फॉरेस्ट नर्सरी बिशा में फॉरेस्ट माली के पद पर कार्यरत हैं। रेंज ऑफिसर मुकेश शर्मा ने फोन पर घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि उनका कर्मचारी अब खतरे से बाहर है। उन्होंने बताया कि विभाग ने फौरी राहत के तौर पर 15,000 रुपए ज्ञानचंद को दे दिए हैं। ग्राम पंचायत बिशा के प्रधान धर्मदत्त ने कहा कि इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण भालू के खौफ से भयभीत है। उन्होंने सरकार एवं वन विभाग से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। प्रदेश में आने वाले 13 दिसंबर तक अब मौसम के साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश में बारिश बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के बाद मौसम खुलने से दिन के वक्त धूप का खिलना शुरू हो गया है। धूप खिलने से दिन के समय जहां मौसम सुहाना बना रहता है तो वहीं रात के समय तापमान में भी भारी गिरावट आई है। ऐसे में रात के समय लोगों को कड़कड़ाती सर्दी से दो चार होना पड़ रहा है। आलम यह है कि प्रदेश के 3 शहरों में तापमान माइनस में आ गया है। हिमाचल में बारिश व बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश की चोटियां निखर आई है। धूप खिलने से मौसम सुहाना हो गया है। सुहावने मौसम का लुफ्त उठाने के लिए पर्यटक बाहरी राज्यों से शिमला, मनाली, धर्मशाला व डलहौजी जैसे पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। मनाली और शिमला में सैलानियों की भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। माजरा पुलिस थाना में पीड़िता की मां ने शिकायत में बताया कि उसकी लड़की के साथ चांदपुर निवासी एक युवक ने दुष्कर्म किया है। युवक पिछले 5-6 महीनों से नाबालिग के साथ गलत काम कर रहा था, जिसकी जानकारी उसकी बेटी ने अब उसे दी। पांवटा साहिब के पुलिस थाना माजरा में IPC की धारा 376 व पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला मंडी में पुलिस ने चरस की एक बड़ी खेप के साथ रानीताल नान निवासी मोहसिन अली सईद और सलोगड़ा सोलन निवासी एक युवती ननिका को हिरासत में ले लिया है। जानकारी अनुसार और थाने के पास पुलिस ने नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान नाहन के युवक और सोलन की युवती से 1 किलो 803 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने जब उनसे गहनता से पूछताछ की तो पता चला कि चरस की यह खेप वह कुल्लू के पतलीकूल से लेकर आए थे। SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में दोनों युवक युवती को हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्यवाही की जा रही है। जिला बिलासपुर में भी पुलिस टीम ने चरस की खेप बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम को सामने पाकर एक व्यक्ति घबरा गया। व्यक्ति ने पैंट की जेब से एक पुड़िया निकाली और झाड़ियों की ओर फेंक दी। पुलिस को संदेह हुआ तो उसे मौके से पकड़ लिया तथा फेंकी हुई वस्तु की तलाशी ली गई। इस दौरान पुड़िया के अंदर से 138 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। वहीं जिला कुल्लू में भी पुलिस ने कार से नशे की खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने हमीरपुर के गांव भड्डू निवासी 22 वर्षीय साहिल शर्मा के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने भुंतर के हाथीथान के समीप नाकाबंदी के दौरान मणिकर्ण से भुंतर की तरफ आ रही एक कार को जांच के लिए रुकवाया। पुलिस ने जब कार चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया। शक के आधार पर पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी चालक से 602 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी,
इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।